मैं आनंद, मुझे यहां बुलाने की वजह थैंक्स। सुनने में आया था कि पिछले कुछ महीनों से जनता गैराज में सब ठीक चल रहा था, गाड़ियों के रिपेयर के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा था। गुड, ये तो सबके लिए अच्छा ही था। सबके मतलब किसके लिए? पर अब जनता गैराज फिर से लोगों का मसीहा बन गई है, गाड़ियों के अलावा लोगों की मरम्मत भी हो रही है, मतलब खूनी खेल फिर से शुरू हो गया है। तुम्हारे और जनता गैराज के बीच क्या रिश्ता है बताओ? आपका और पुलिस डिपार्टमेंट का क्या रिश्ता है? ये मेरा काम है और ये मेरा फर्ज है, और मुझे इस काम से बहुत प्यार है। ओ अच्छा, न्याय और अन्याय के बीच ऑन द स्पॉट फैसला कर देना ये तुम्हारा काम है, और बिना सोचे समझे बिना कोर्ट कचहरी गए लोगों को अपने हिसाब से सजा सुना देना ये तुम्हारा काम है? बात यह नहीं है कि हम क्या करते हैं, बात यह है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं? तुम यंग हो, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, ये सब करते हुए तुम अपने आप से सवाल नहीं करते हो? ये बेवकूफी करके अपने आप को बहुत बड़ा हीरो और स्मार्ट समझते हो ना तुम? कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत और हक किसने दिया तुम्हें? आई कैन अंडरस्टैंड सर। एक काम करते हैं, लोगों से कहिए जनता गैराज के पास मत जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लोगों को मेरी तरफ से अपनी तरफ ले आइए, ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। लेकिन अगर जनता गैराज के सामने खड़े होकर लोगों ने कहा हम तकलीफ में हैं, तो फिर हम मदद करेंगे। आई होप दोबारा हमारी मुलाकात ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट सर। वेरी बैलेंस्ड बट मोर डेंजरस। इस लड़के का फैमिली बैकग्राउंड पता करो, इससे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। ओके सर। इतने सालों बाद मिल रहा हूं, इसलिए एकदम से पहचान नहीं पाया। ये मेरी वाइफ है। नमस्ते बेटी। नमस्ते। नमस्ते। आइए अंदर आइए। मेरी पत्नी पद्मा। नमस्ते जी। नमस्ते। वो ठीक तो है ना? उसी से पूछ लीजिए। सालों पहले आपने कसम ली थी कि इस घर की परछाई तक उसे छू नहीं पाएगी, पर फिर भी वो लौट के यहां वापस आ गया है और आपके नक्शे कदम पर चल रहा है। वही कर रहा है जिस बात का इन्हें डर था। मैं सच कहता हूं, अगर विश्वास नहीं तो जनता गैराज की कसम खाकर कहता हूं, इतने सालों में मैं इससे कभी नहीं मिला। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यह हमारा बेटा है। मुझे तो पता तक नहीं था कि यह मेरे छोटे भाई का बेटा है। तुम्हीं ने तो इसे पाल पोस के बड़ा किया, हमने तो इसे बचपन से देखा भी नहीं। तुम अगर इसे ले जाना चाहते हो तो कोई भी बीच में नहीं आएगा। ले जाओ इसे यहां से। रिटर्न फ्लाइट 5 बजे की है आनंद, तुम्हारी भी। हो सकता है ट्रैफिक मिले, बेहतर होगा अभी निकल जाए। ये मेरे पापा का परिवार है।
तुम्हारे पापा का परिवार, तुम्हारा नहीं। चलो हमें देर हो रही, निकलना। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि जिंदगी में कभी मम्मी पापा की कमी महसूस ही नहीं हुई। मगर दुनिया में मुझे प्यार देने वाले कुछ और लोग भी थे। इन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? स्टॉप इट आनंद, जस्ट स्टॉप इट। हमने तुम्हारी और दिया की सगाई ऑलरेडी तय कर दी है। तुम्हारे लिए एक बेहतर जिंदगी है वहां। प्लीज अपना सामान पैक करो और चलो। शादी के बाद ये यहाँ खुश रहेगी, वहां रहेगी तो मुरझा जाएगी। लेकिन तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। मैंने अपनी बहन को यहाँ भेजा और उसे खो दिया, चली गई। मैं अपनी बेटी को इस घर में भेज के उसे हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता। उसे विधवा के रूप में नहीं देखना चाहता। प्लीज हमारे साथ चलो। दिया मेरी धड़कन है और ये परिवार मेरा दिल। नहीं आ, तुम्हें दिया चाहिए या जनता गैराज, तुम्हें जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना होगा। भगवान इंसान को सारे सुख एक साथ नहीं देता। दिया या जनता गैराज, जस्ट वन स्ट्रेट आंसर। मुझे तो अपने माँ बाप का चेहरा भी याद नहीं था। मेरे लिए तुम्हारे पापा ही सब कुछ है। इन्होंने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी, नई जिंदगी दी। दिस मैन इज एवरीथिंग टू मी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे इनके दिल को ठेस पहुंचे। आज ये मुझे चुनने को कह रहे हैं। तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा मैं? लेकिन इस परिवार को भुलाकर भी जी नहीं पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम इनकी खुशी के लिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए भुला तो दिया। मैं बस इन्हें खुश देखना चाहता, फिर चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। प्लीज मान जाओ दिया, यू विल गेट द बेस्ट। बेस्ट को तो मैं आज छोड़ के जा रही हूं। मैं बचपन से ही तुम्हारी हर बात की दीवानी रही हूं, एवरीथिंग। आज जो हुआ उसकी भी, पर तुम्हारा ये फैसला मुझे जिंदगी भर बहुत दुख देगा। पर तुम खुश रहना। ऑल द बेस्ट। अपने बेटे से कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर देना माँ। आई मिस यू। तुम पागल हो गए हो? इतनी अच्छी जिंदगी अपना प्यार गंवाने के बाद तुम यहां करोगे क्या? क्या है यहां? अंकल आपके फ्लाइट का टाइम हो गया। थैंक्स अ लॉट डैडी जी।
आई नो आई गॉट दिस डील बिकॉज ऑफ यू. मैं और रिया आज डिनर के लिए आ रहे हैं. या सी यू. कल रात को जब तुम घर आए थे, तुम्हारे पापा सब कुछ देख रहे थे. उन्हें बहुत दुख हुआ. इस तरह नशे में घर आना हमारी संस्कृति नहीं है. दोबारा ऐसी हरकत मत करना. ये बात रिया को भी बता देना. तेरा प्रॉब्लम क्या है बे? हाँ, मेरा घर है, मेरी मर्जी. क्या हुआ रघु? कुछ नहीं, बस बस कर. हमारा पार्टीज में जाना इसे खटकता है. इसे लगता है कि हम नॉर्मल नहीं है. हम नॉर्मल नहीं है? What do you mean, huh? हम इंसान नहीं है? I didn't mean that. Then what did you mean, huh? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बड़ों के सामने तमीज से पेश आया करो. तो तुम्हारा मतलब है लेट नाइट पार्टीज करना बदतमीजी होती है? घर में बहू का शराब पी के आना शोभा नहीं देता. ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर किसी को लगता है कि थप्पड़ की आवाज से सामने वाले को दबा सकता है, then I can make more noise. No more parties. आप उन दोनों को रोकते क्यों नहीं? पिछले कई दिनों से वह घर छोड़ने की कोशिश में था.